नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान। जिला सोलन में वीरवार को कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहली कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार द्वारा की गई। जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव शिव कुमार ने बताया कि आज कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहली कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 से बढ़त हासिल करेगी और जिस तरह विधानसभा चुनाव में जनता ने सोलन को भाजपा मुक्त बनाया है, उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी सोलन को भाजपा मुक्त बनाया जाएगा। जिस प्रकार से संगठन और सरकार का तालमेल देखने को मिल रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव में 4-0 का यहां स्कोर रहेगा। 4-0 से कांग्रेस यहां बढ़त हासिल करेगी और जिस तरह से जिला में हमने भाजपा मुक्त जिला बनाया है, मैं यही निवेदन करूंगा आम जनता से कि लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा मुक्त हिमाचल प्रदेश बनना चाहिए। इसके लिए हम सब भरसक प्रयत्न करेंगे। इसी संदर्भ में आज एक बैठक का आयोजन है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है और आगामी समय में माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हम निवेदन करते आ रहे हैं और करेंगे कि सोलन जिला में आए, हम उनका नागरिक अभिनंदन करना चाहेंगे। आम सोलन की जनता उनका आभार व्यक्त करना चाहेगी, उनका अभिनंदन करना चाहेगी। इस बारे में भी हम एक आर्गेनाइजेशन डालकर उनको प्रार्थना करेंगे कि सोलन जिला को आम जनता ने कांग्रेस पर विश्वास व्यक्त किया और सोलन जिला से भाजपा मुक्त जिला इसको बना दिया। इसके लिए मैं आपके माध्यम से जिला के सभी आम जनता को बधाई देना चाहूँगा और अपने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने भरसक प्रयत्नों से इस जिला को भाजपा मुक्त कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री सुखू जी के नेतृत्व में रानी प्रतिभा सिंह जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में चुनाव में हमने विजय हासिल की। प्रचार समिति के अध्यक्ष थे माननीय मुख्यमंत्री जी और जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया पूरे प्रदेश में, 40 सीटों पे हम विजयी घोषित हुए और कुछ सीटों पे थोड़े थोड़े मार्जिन से हम रह भी गए, लेकिन सोलन जिला जो है वो भाजपा मुक्त हो गया। तो आप सभी के माध्यम से मैं सोलन जिला के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। आज सरकार बनने के बाद पहली जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक यहाँ हो रही है और इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में जैसी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद पहला काम जो उन द्वारा किया गया, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक कार्य है जो शायद ना पहले हुआ ना कभी भविष्य में होगा। उन्होंने जितने भी अनाथ बच्चे थे, बेसहारा बच्चे थे, उनको खुद सरकार ने गोद में लिया और उनके लिए सुख आश्रय योजना शुरू की, 101 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की। मैं समझता हूं जिनका कोई नहीं उनकी सरकार। सोलन से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।